ओम नमो नारायणाय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज फागुन मास पहला दिन गुरुवार का दिन, मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ भगवान विष्णु की कथा। बंधुओं, आप सभी जानते हैं गुरुवार भगवान बृहस्पति देव अर्थात विष्णु देव को समर्पित है। बंधुओं, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा का दिन माना जाता है। जो मनुष्य भी गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, केले के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, दीपक जगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। बंधुओं, कथा को श्रवण करने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें, तभी आपको कथा श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भीष्म जी ने पूछा, विप्रवर, मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधुवर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह बताने की कृपा करें। बोल सत्य जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है, संसार में उसके समान कोई दूसरा नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है। ब्रह्मा जी ने उसे सब देवताओं का आश्रय बताया है। पूर्व काल में नारद जी ने इसी विषय को ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था, ब्रह्मन, किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मण की सेवा करने वाला मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास है। जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान किया जाता है उसे अक्षय जानना चाहिए, वह जन्म जन्मांतरों में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिस घर के आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूलि पड़ने से पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, वे पुण्य क्षेत्र के समान है। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना गया है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ, फिर उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतु भूत वेद प्रकट हुए। विधाता ने समस्त लोकों की पूजा ग्रहण करने के लिए, समस्त यज्ञों के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण के ही मुख में वेदों को समर्पित किया। पितृयज्ञ, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म, सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के ही मुख से देवता हव्य का और पितर कव्य का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम और बलि सब निष्फल होते हैं। जहाँ ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया जाता, वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। दान, होम आदि में ब्राह्मण को बुलाकर उन्हीं से सब कर्म कराना चाहिए। उत्तम देश काल में उत्तम पात्र को दिया हुआ दान लाख गुना अधिक फलदायक होता है। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए।
उसके आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है, वह चिरंजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम ना करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से, उसके प्रति अश्रद्धा करने से मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है, उनके धन ऐश्वर्य का नाश होता है, परलोक में उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन घरों में ब्राह्मण के चरणोदक से कीच नहीं होती, जहां वेद और शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जो यज्ञ तर्पण और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, वे शमशान के समान हैं। नारद जी ने पूछा, पिताजी कौन ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरु के लक्षण का यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, श्रोतिय और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम श्रोतिय कुल में उत्पन्न होकर भी जो वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं होता। असत क्षेत्र मात्र कुल में जन्म लेकर भी जो वेद अनुकूल कर्म करता है, वह पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेद व्यास और ऋषि सिंह विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, तथापि अपने सत्कर्मों के कारण वे समान है। इसलिए बेटा, तुम पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप क्षत्रिय और ब्राह्मण के लक्षणों को सुनो। इनके सुनने से सब पापों का नाश होता है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण समझना चाहिए। संस्कारों से उसकी द्विज संज्ञा होती है। विद्या पढ़ने से वह विप्र नाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से युक्त होना क्षत्रिय का लक्षण है। जो विद्या, मंत्र, वेदों से शुद्ध होकर तीरथ स्नान आदि के कारण भी पवित्र हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। जो सदा भगवान श्री नारायण में भक्ति रखता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है, जो सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, जिसके हृदय में गुरु, देवता, अतिथि के प्रति भक्ति है, जो माता पिता की सेवा में लगा रहता है, जिसका मन प्राय स्त्री में कभी सुख का अनुभव नहीं करता, जो सदा पुराणों की कथा कहता है और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है, उस ब्राह्मण के दर्शन से प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन, नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है, जो गंगा जी के जल का सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो शत्रु और मित्र दोनों के प्रति दया भाव रखता है, सब लोगों के साथ समता का बर्ताव करता है, दूसरे का धन जंगल में पड़ा हुआ तिनका भी नहीं चुराता, काम और क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, जो इंद्रियों के वश में नहीं होता, यजुर्वेद में वर्णित चतुर्वेदमयी शुद्ध 24 अक्षरों से युक्त त्रिपदा गायत्री का प्रतिदिन जप करता है, उसके भेदों को जानता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। पिताजी, गायत्री का क्या लक्षण है? उसके प्रत्येक अक्षर में कौन सा गुण है? उसकी कुक्षी, चरण, गोत्र का क्या निर्णय है? इस बात को स्पष्ट रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, गायत्री मंत्र का छंद गायत्री और देवता सविता निश्चित किए गए हैं। गायत्री देवी का वर्ण शुक्ल, मुख अग्नि और ऋषि विश्वामित्र है। ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानीय हैं। उनकी शिखा रुद्र और हृदय श्री विष्णु है। उनका उपनयन क्रम में विनियोग होता है। गायत्री देवी सांख्यायन गोत्र में उत्पन्न हुई है। तीनों लोक उनके तीन चरण है। पृथ्वी उनके उदर में स्थित है। पैर से लेकर मस्तक तक शरीर के 24 स्थानों में गायत्री के 24 अक्षरों का न्यास करके द्विज ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। प्रत्येक अक्षर के देवता का ज्ञान प्राप्त करने से विष्णु का सायुज्य मिलता है। अब मैं गायत्री का दूसरा निश्चित लक्षण बताता हूँ। वह 18 अक्षरों का यजुर्मंत्र है। अग्नि शब्द से उसका आरंभ होता है, स्वाहा से हकार पर उसकी समाप्ति। जल में खड़ा होकर इस मंत्र का 100 बार जप करना चाहिए। इससे करोड़ों पातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं। जप करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होता है।
बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।